प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार भी कोशिश कर रही है, तो उसके तहत जो पहले इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ आती थी ये सब चाइना की मोटर कंट्रोलर ये सब लग के बनाते थे। तो हमारा ये प्रयास था कि विदाउट चाइना मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट बनाए जाए, और पहले जो स्पीड आती थी कि 20-25 स्पीड में इलेक्ट्रिक का व्हीकल रन करता था, जिसकी वजह से लोग इसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते थे और ज़्यादा दूर तक भी ये नहीं जा पाता था। तो हमारा ये प्रयास, हमने इसको इस तरीके से सोचे कि इसको एक प्रॉपर सोल्यूशन दे, कि चार्जिंग स्टेशंस भी दे, स्वैपिंग स्टेशंस भी दे, हर जगह में चार्जिंग स्टेशन हो। चार्जिंग स्टेशंस होता है तो रास्ते में गाड़ियाँ चलेगी, तो उस टाइम पे कहीं पे भी अगर उनका बैटरी डिस्चार्ज होता है तो उस टाइम पे वो चार्जिंग स्टेशंस में इजीली वहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, और स्वैपिंग स्टेशंस में विद इन ए 5 मिनट्स वो बैटरी स्वैपिंग करके अनदर 100-150 किलोमीटर्स रन कर सकते हैं, कि गाड़ी कहीं रुके ना। पहले जो लोगों के अंदर डर था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर लेंगे तो चार्ज कहाँ करेंगे, रास्ते में अगर चार्ज ख़त्म हो गया तो गाड़ी कैसी चलेगी, तो वो दिक्कतें अभी लोगों को नहीं आएगा, क्योंकि हम जहाँ जहाँ शोरूम्स कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आउटलेट्स ओपन कर रहे हैं, वहाँ पे सॉल्यूशंस के साथ में ओपन कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए, कि एंड यूजर परेशान ना हो। वहाँ पे सर्विस सेंटर भी रहेगा और वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस भी रहेगा और स्वैपिंग स्टेशंस भी रहेगा। यहाँ पे आज मीरा रोड में पूरे मीरा भाईंदर के लिए FS एंटरप्राइजेस के को हमने ऑथोराइज डीलरशिप दिए, तो FS एंटरप्राइजेस के तहत पूरे मीरा भाईंदर में मार्केटिंग हो जाएगा और लोगों को जितनी सुविधाएँ मिलना चाहिए वो मिलेंगे। FS एंटरप्राइजेस के दो ओनर हैं मिस्टर शाम एंड मिस्टर फिरोज, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे नए टेक्नोलॉजी को अपनाया और लोगों के पास पहुँचाने के लिए प्रयास किए, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन। प्राइस की बात करो, प्राइस का प्राइस के लिए आपका डीजल पेट्रोल और CNG ऑटो का कंपैरिजन अगर करेंगे तो डीजल पेट्रोल CNG ऑटो नियर बाई 2.5 लाख से नीचे नहीं है, जबकि हमारे ऑटो अनरोड 1,70,000 में लोगों के पास में पहुंचता है। सब टोटल इलेक्ट्रिकल ऑटो और थ्री व्हीलर चार्जिंग टाइम 300 से 400 घंटा।